पूरे उपाय संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। कुछ काम किए हैं, बहुत से ऐसे काम है जो नहीं हुआ। जैसे? जैसे मुख्यमंत्री जी आए थे चुनाव में, बोल गए थे कि भाई ये कितने रेडी पटरी वाले हैं, भाई उनके 49 दिन तो काम बहुत अच्छे रहे। कोई पुलिस वाला पैसा नहीं लिया, कोई रेडी पटरी वाले को दुखी नहीं किया, कोई गरीब आदमी दुखी नहीं हुआ। उसके बाद जो काम 500 रुपया रेडी वाला देता था, आज की डेट में वो 5000 रुपया पुलिस वालों को देता है। आ इसमें चाहे वो केजरीवाल सरकार की गलती हो, चाहे वो केंद्र सरकार की गलती हो, लेकिन ये भुगतता गरीब आदमी है। एक बात तो ये है। दूसरा, यहाँ के विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, उन्होंने जब से जीता तब से नहीं आए, अब आए तीन, सब जगह चारों तरफ पानी लग गया। अब चुनाव जब आया सर पे, तो अब आकर के यहाँ पाइप लगवा रहे हैं। चलो कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है। ये भी आके करके कह रहे थे कि हम कसम खा रखे थे कि जे जो कॉलोनी में नहीं आएंगे। ठीक है भाई, आपको आने में क्या दिक्कत है? समस्याएं बहुत है, यहाँ सीवर की समस्या है, उसको लोग रोड बनवाना शुरू कर देता है। अरे भाई, मुख्य सुविधा तो दो। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर नंबर देने के लिए कहा जाए 10 में से, कितने नंबर देंगे 3 साल के कार्यकाल को? नंबर तो 5 नंबर देंगे उनको, 10 में से 5। आधा काम तो अच्छा ही किया है। अच्छा। जो निर्णय है उनका व्यक्तिगत तौर पे, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं। जो मुख्यमंत्री जो है, कुछ काम ऐसे हैं जो दिल्ली का जो उन्होंने किया है अच्छा किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो गलत हुए। यहाँ जैसे दिल्ली में बनने के बाद जहाँ तक की देखा जाए, चोरियाँ भी ज्यादा बढ़ गई हैं और कांड भी ज्यादा हो रहे हैं। इनका वादा है, पहला तो सबसे था कि हर चौराहे पे हर नक्के में कैमरे लगेंगे, एक कैमरा नहीं दिखा। प्लस बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ कुछ। अच्छा, और कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ से आप बहुत नाखुश हैं, एजुकेशन का या इलेक्ट्रिसिटी का या पानी मिलने का जो वादा था? पानी का वादा तो देखो, पानी का वादा हो सकता, ये काम तो 6 महीने पहले हो सकता था। यहाँ पे 6 महीने बोले तो इनके जीतने के 6 महीने बाद ही हो सकता। किस इलाके में रहते हैं? सेक्टर 16 द्वारका। हाँ। सेक्टर 16 ये में है। हाँ। तो इस इलाके में पानी कम से कम तो इनके जीतते ही 6 महीने बाद आना था, आ जाता, लेकिन ये काम देखो 3 साल के बाद हो रहा है, जब अगला इलेक्शन आने को है। इसी वजह से अभी भी अभी खुदाई हुई है, अभी काम हो रहा है। अब ये काम होते होते में कम से कम नहीं तो साल भर लग ही जाएगा। हमारी राय तो ये है सब, एजुकेशन में भी कुछ खास चीज नहीं हुई। जैसे कि केजरीवाल सरकार कह रही थी कि हम एजुकेशन में अच्छा करेंगे, और इलेक्ट्रिक में भी हम परेशान रहे हैं। हमारे यहाँ तो सर्दियों में भी 3-3 दफा यहाँ पर कट लगा है, 1-1.5 घंटे का। तो गर्मियों की तो आप सोच सकते हो क्या हालत रही होगी अब। और ट्रांसपोर्ट का भी कोई वो अच्छा नहीं है। अगर यहाँ तो मेट्रो ना हो तो ट्रांसपोर्ट में तो जनता का आना जाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आम जनता में चर्चा यही, मेट्रो के बाद किराया बढ़ने के बाद तो जनता ने सरकारी ट्रैफिक में आना जाना ज्यादा कर दिया, तो वहाँ भीड़ बढ़ी है। नहीं, वो भ्रष्टाचार भी पूरा नहीं हो सका जिस कारण से सत्ता में आई थी, वो एम भी इनका पूरा नहीं। और जो पानी की बात रही, सिर्फ पानी पानी के ऊपर थोड़ा है कि चलो पानी कहना चाहूँगा कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे। हाँ। वो तो उन्होंने मतलब करे, जैसे उन्होंने कहा था कि बिजली का बिल मतलब हाफ करवाएंगे, तो वो उसने अपना काम किया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है हमारे एरिया में, तो केजरीवाल काम करवा रहा है जहाँ तक देखा है। अभी कहना मैं 2 हफ्ते पहले उद्घाटन हुआ मतलब पाइप के लिए, तो वो मतलब काम अभी कहाँ रहता है? मैं तो मतलब इसी एरिया में रहता हूँ, 16 में। अच्छा, तो जिस तरह बताना चाहूँगा कि उसने मतलब काम करवा रहा है इस तरफ, हमारे कॉलोनी में ये काम करवा रहे हैं, अभी काम हो रहा है, पाइपलाइन चल रही है, मतलब इस तरफ से वहाँ तक अभी तक काम हो रहा है। तो मेरा मैं तो एक सड़कें बनवाई है, और जो भी पढ़ाई के तौर मैं कहना चाहूँगा, तो ऐसे शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं, वो भी काफ़ी वही कर रहे हैं, मतलब जो होना चाहिए बच्चों के लिए। आप खुश हैं 3 साल में जो केजरीवाल सरकार ने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने? खुश हूँ। हाँ, हम सभी को बहुत खुशी है, जो इसने जो कार्य किया उसने एकदम ठीक किया है। हाँ, अच्छा।